श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आपके मराठी चैनल भक्ति मराठी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने हैं महान ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। तो बिना देर गवाए हम अपनी ज्योतिर्लिंग की कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर देव बेहद खुश थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब यह बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। उनको समझाने का प्रभाव उल्टा यह हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक बढ़ गई। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने देवचंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। श्रापवश देवचंद्र क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव भी कमी हो गए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में आ गए। इस श्राप से मुक्ति का ब्रह्मदेव ने यह उपाय बताया कि जिस जगह पर आप सोमनाथ मंदिर है उस स्थान पर जाकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उसी समय से यह मान्यता है कि भगवान चंद्र इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी असंभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में जो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक श्री कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में उनका यह श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से ग्रस्त होंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वे एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की इस स्थान पर उपासना करने का प्रचलन प्रारंभ किया गया तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हुए। देवता भी इस स्थल को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित है। ऐसे हमारे अनुपम शिवलिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ये कथा है। तो दोस्तों, आज से हमने हर एक ज्योतिर्लिंग की से जुड़ी हुई एक एक कथा एक एक वीडियो बनाकर डालने की श्रुति चालू की है। इसे आप प्लेलिस्ट में भी पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अद्भुत ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोते हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी कथा से जुड़े भावार्थ क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए।